दोस्त हेलो दोस्तों, आप लोग एक हैक बताना चाहता हूँ। आप लोग सुनकर एक सुनते ही आप लोग दोस्त आप लोग एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये जो कि बिजनेस एक तरीका है, ये बिजनेस तरीका से कंपनी कितना करोड़ों की बिजनेस कर रहा है, ये अगर यूनिक तरीका अगर समझ जाओगे तो आपको एक नॉलेज मिलेगा। दोस्त मैं आप लोग एक बिजनेस तरीका शेयर कर रहा हूँ, इस तरह का अगर नोटिस किए होंगे तो आप लोग कुछ आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्या है बिजनेस तरीका? आप लोग देखे होंगे कोई भी कंपनी का शैम्पू, हम लोग लोकल में जितना हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई भी ब्रांड का, कोई ब्रांड का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, फिर भी चलो मैं कभी किसी का जैसे कोई सेंथलिक हो गया, क्लीनिंग प्लस हो गया, कोई भी कंपनी का हम लोग छोटा सैम्पल प्लस देखते हैं, 1 रुपये की, फिर 50 पैसा, 50 रुपये, 50 पैसे की, फिर 2 रुपये की, 1.5 पैसों की, हम लोग कोई भी शैम्पू देखते हैं मार्केट में, छोटे छोटे प्रोडक्ट। उस आप लोग कोई पता है कि इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट क्यों सेल करता है कंपनी? तो कंपनी आपको वही अगर छोटा पॉकेट अगर उसका कंटेंट अगर 100 ml जाएंगे तो उस हिसाब से उसका दाम 100 रुपये होना चाहिए, लेकिन कंपनी वहाँ पर 130, 150, 160 तक आप लोगों से सेलिंग कराते हैं, लेकिन कंपनी वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट तो एक सेल कर रहा है, आप लोग को ये भी नहीं पता होगा। यानी अपने छोटे छोटे कंटेंट अगर एक एक पैकेट अगर 100 पैकेट अगर एक करेंगे 100 ml तक तो आपका 100 रुपये खर्चा होगा, लेकिन आप एक डिब्बा एक साथ खरीदेंगे वहाँ पे आपका 120-130 आपसे एक अमाउंट चार्ज करता है। तो आप बोलोगे जो प्रोडक्ट का पैकिंग है वो एक चार्जेस लेता है, लेकिन उस चार्जेस के साथ आपको एग्री कर रहे हैं, हाँ उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग चार्जेस के साथ एक आपको एक अमाउंट या आपको रेस अमाउंट वहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर गैप का तो कुछ अमाउंट गैप है, लेकिन ये छोटे छोटे पैकेट इसीलिए सेल कर रहा है कि आप लोग जो बड़े पैकेट है उस बड़े प्रोडक्ट को आप खरीदने से पहले आपको एक सैंपल चीज़ सेल किया जा रहा है कि आप 1 रुपये सैंपल चीज़ पहले ट्राई करो, अगर अच्छा लगे तो आपका आदत होगा कि मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करते जाऊँ। जब रेगुलर आप यूज़ किए 1 रुपये खरीदते खरीदते आप देखेंगे रेगुलर आपका यूज़ हो रहा है, उसमें आप अच्छा लगा तो अपने उसका बड़े प्रोडक्ट परचेज़ किए। ये होता है ब्रांडिंग का एक टारगेटिंग सेलिंग। तो इस स्ट्रेटेजी को देखते एक चीज़ होता है बिजनेस में, एक रूल है कि कोई प्रोडक्ट सेल करने से उसका कोई सैंपल चीज़ किसी को दिखाना चाहिए, मतलब टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये टेस्टिंग सैंपल ऐसे किया जा रहा है कि आपको खरीदने आप छोटे पैकेट उसका जब आपको फीडबैक अच्छा मिल रहा है तब बड़े प्रोडक्ट आप मतलब उसका बड़े क्वान्टिटी आप खरीदते हो। ये होता है बिजनेस का स्ट्रेटेजी। तो आप लोग अगर नोटिस किए होंगे कि सवाल होगा कि छोटे क्यों वैसे बड़े क्यों वैसे बेचा जाता है, लेकिन इस बारे में अगर छोटा सा नोटिस किए होंगे तो आप अच्छा माइंड आप सोचते हैं कोई चीज़ को देखकर आसपास क्या हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ को सोचा, मैंने बहुत दिन सोचा, लेकिन बताया कि क्वेश्चन इस वीडियो को मैं बताने के लिए सोचा था। चलो वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर किया दोस्तों, अगर अच्छा लगे लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, ऐसा कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट बहुत सारा कॉन्टेंट मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। जय हिंद। इस ऐसा कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जय हिंद। वंदे मातरम।